लेवल करके गए, अभी इसको महीना हो गया अभी तक फिर वापस नहीं है। सारे निहार मिट्टी झलने बैठे हैं, घर से साफ सुथरे निकलते हैं यहाँ पर सारा कचरा कचरा हो जाते हैं। ये रोड बनता पे 2021 कोल पहले कुछ बराबर आई ठीक ठाक आई, ये कुछ सारे को पट के थे, आज थींदा पे त्रेवी खत्म थी वाला है। हाल है तो कोई समझ नहीं आती, सारी दीवार मिट्टी झलेंदे बैठे हैं, तुरका नहीं करेंदे, सारा रोड पटा पे परले आंदे सऊदी स्पीड ही कोचा भई जावे। यहाँ पर धूल मिट्टी इतना होता है कि घर से साफ सुथरे निकलते हैं और यहाँ पर सारा कचरा कचरा हो जाते हैं, बाल इस तरह हो जाते हैं कि क्या बताएं। डॉक्टर बताते हैं कि मिट्टी और गर्दे से बचो। अभी ये देखो प्लास्टिक लगाया हुआ है लेकिन इससे भी मिट्टी रुकती नहीं है। रोड तो बन रहा है लेकिन इसका कोई पानी वाले तरतीब नहीं है सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रात को हम पहले तो 10 बजे तक बैठते थे, अभी शाम को चले जाते हैं कि मिट्टी से तंग हो जाते हैं। ये लेवल करके गए अभी इसको महीना हो गया अभी तक फिर वापस नहीं है। लोग जो है ना काफ़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं इस डस्ट की वजह से, छिड़काव नहीं होता टाइम पर। अगर दिन में 3 मरतबा छिड़काव भी कर देना तो वो भी मेरे ख्याल में इनफ है, लेकिन छिड़काव नहीं हो रहा प्रॉपर। सुबह के टाइम कर जाते हैं तो फिर शाम तक वो एक ही छिड़काव चलता है, जिसकी वजह से ये देखें ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से रोड 10-15 मिनट 20 मिनट बाद खुश्क हो जाता है और यही मिट्टी है सारी। और ये ठेकेदार कौन है जिनको ठेका देते हैं उनसे पूछते हैं नहीं, किसी बात की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम सुबह आते हैं यहाँ पे न पानी का छिड़काव होता है न कुछ होता है, इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक स्कूल भी है, उन बच्चों को भी बड़ी मकसद है ना तकलीफ़ है। यहाँ के जो सियासी लोग हैं वो अपने पेट तक महदूद है और अपने हद तक महदूद है। यहाँ तकरीबन एक ही बार सुबह सवेरे तकरीबन 8 बजे जो है छिड़काव कर देते हैं, फिर शाम तक नहीं होता है। ये पता नहीं चलता जो गाड़ी किधर से आ रही है इस गड्ढे की वजह से, तो ये मेहरबानी करे हुकूमत जो ये जल्द से जल्द बनाए रोड और फुटपाथ भी ज़रूरी है। बहुत औखे थे मैं धीके ला के चढ़े ने रश के, तो बहुत जरूरी है सारे वास्ते, धूल मिट्टी है भी ऐसे डांड थे पैन अल्लाह माफ़ करे, तो मिट्टी देखा तो सारे रश्के तो काम नहीं थी भी सारे कारोबार बंद थी गई है सारा। रोड का यही सिस्टम बनाया ना गड्डी असा ला सकते हैं ना चढ़ा सकते हैं, जेरी जहाँ खड़ी है दुकान के बिच उएँ खड़ी है, असा गरीब लोग हैं हाथ के उत्ते हाथ रख के बैठे हैं, महंगाई अगे एडी है दो बस के आके हूँ बना त्रीजा साल है असा तो रुल गए लाला सारियाँ तो गड्डिया ही गल वन 2 साल दे मैं पट्टा वे सारे मिट्टी मिट्टी असा हल नहीं कर सकते क्या करूँ असा हूँ दिया। भाई हम अभी घर से आ रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है जिसकी वजह से हम बहुत तंग है यार, ये सारी परेशानी आप देख सकते हैं सारे लोगों को तकलीफ है। रेड़े अक्सर खराब हो चुके हैं, अक्सर के टायर जो है ना वो फारिग हो गए हैं और बार बार चैने उतरती हैं, बाज़ बीमार लोग परेशान हैं। पंजाब में रोड बहुत जल्दी बन जाते हैं, यहाँ पर जो है ना बहुत टाइम लग रहा है, तो लोग इस वजह से बहुत परेशान हैं। अगर कोई मेहरबानी हो सकती है तो उनके लिए जल्द से जल्द काम किया जाए। और दूसरा पानी बहुत कम फेंकते हैं ये रोड पर, जिसकी वजह से मैं खुद भी बीमार हूँ और दूसरे लोग भी खांसी की बीमारी दमे की तकलीफ़ बहुत सी शिकायत हैं लोगों को। ये इन तदीद मारो इन्हें लगते तो अंधार घुला खड़ो थे गड्डी टप दे डब्बा टप दे तेज टप दे यकी धूड़ उभार के टप दे सारा खावा पीना कारोबार है ये साल रोटी वगैरह बड़ी मिट्टी दूध डांदी बड़ी तकलीफ थी सागू तो बहुत मुश्किल है रोड का बड़ा औखो कि पैसा कोई था मिट्टी दूध बहुत ज्यादा होती है।